तो हे गाइस, क्रिस्टो हेयर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू कॉलेज के किस्से। तो दिस इज द सेकेंड व्लॉग ऑफ आवर लॉकडाउन। तो आज हमने ब्रेकफास्ट के बाद वी आर गोइंग टू दोज प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन। वहाँ जाएंगे और वहाँ के हम तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें दिखाएंगे, तो मज़ा आने वाला है। आई होप मज़ा ही आएगा। मतलब आकाश वहाँ पे नहीं गया है, इसलिए मैं आकाश को वहाँ ले जा रहा हूँ। और ये आकाश देखो, घास फूस खा रहा है, उपमा नहीं खाया इसे ढंग से। तो उपमा से भी इसका भी मन उठ गया। आज घर में उपमा बनाया मम्मी ने, तो फिर उपमा नहीं खाया इसने ढंग से। क्योंकि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो फिर उपमा ही उपमा देखे, मतलब ब्रेकफास्ट में, मतलब क्या ही बोले। हॉस्टल का खाना तुम समझ सकते हो। तो ठीक है, तो आकाश कुछ बोलना चाहोगे? आज आकाश का लास्ट दिन है यहाँ पे, तो ही इज़ फ्लाइंग बैक टू उत्तर प्रदेश, अपने घर जा रहा है। तो कुछ बोलना चाहोगे आकाश? ये जगह को बहुत मिस करेगा, यहाँ का एनवायरमेंट बहुत शांति है। तो मिसिंग दिस प्लेस। पिछली बार भी यही बोला था, कुछ नया बोल रहा हूँ। क्या बोलेगा? देखो मुझसे ही पूछ रहा है क्या बोलेंगे। स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है, हाँ स्पॉन्टेनियस है सब। पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें हम तुम्हें दिखाएंगे। तुम्हारे उधर के खेतों में और हमारे इधर के खेतों में क्या क्या अंतर है, और उधर के जो क्रॉप्स होते हैं और ये जो यहाँ के क्रॉप्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है? अरे मैक्सिमम तो खेत में था ही नहीं था, हम कैसे मालूम। तभी तो घर जाता था, घर आता था, बस इतनी ही। आकाश शहरी लड़का है, आकाश अरुणाचल प्रदेश में बड़ा पला बड़ा, और फिर अपना केवी का डॉन है आकाश। क्या ही बोले, अब हम आ चुके हैं, मतलब कोकोनट ट्रीज कुछ बोलने को मिल नहीं रहा यार, क्या बोले। सो नाउ टेल अस अबाउट योर जर्नी, तुम कैसे जाने वाले हो? से पहले मैं तिरुपति से बस लूँगा, उसके बाद 5 घंटे का रास्ता है चेन्नई, फिर चेन्नई से वहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगा, एयरपोर्ट से फिर कनेक्टेड फ्लाइट है, तो वहाँ से हैदराबाद, फिर तो फिर बनारस से वहाँ से मैं एयरपोर्ट में नामूंगा, फिर वहाँ से मेरे घर के लिए सीधा बस मिल जाता है हर टाइम, एवरी टाइम अवेलेबल। आफ्टर वर्ड्स आई विल टेक माय बस फ्रॉम देयर एंड आई विल रीच होम। तो अब हम जा रहे हैं गाय से मिलने। आकाश को बहुत उत्सुकता हो रही है। आपको गाय से इतने लगाव क्यों है? ऐसा लगाव होना चाहिए क्योंकि गाय से हम लोग को हर चीज़ मिलता है जिससे हम लोग को फ़ायदा ही फायदा होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक मिल्क, एवरीथिंग वी गेट इट्स बेनिफिट फॉर अवर फैमिली। या सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ शब्द बोले आकाश ने, गोल्डन वर्ड्स ऑफ आकाश। तो जो भी आकाश के दोस्त देख रहे हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, सबको हाय, और सब लोग आकाश के अच्छे से लेना जब वो वापस आ जाएगा। इधर सिखाओ। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस दूध होता है इसका, और वहाँ पे उसके भाई बंधु लोग हैं, वहाँ पे एक है और उस तरफ पेड़ के पीछे एक सिखा हुआ है। ये है कोकोनट का प्लांटेशन, और ये है हमारे खूबसूरत हाउस, और यहाँ पे है शुगर केन, सुबह के टाइम रिस्क होता है। तो ये देखो आकाश क्या बोल रहा है, वहाँ पे से जाएंगे और एक दूसरे तोड़ के लेके घर भाग जाएंगे। तो हमने बेट लगाया इसको 1000 रुपीज़ की कि वो एक नारियल से दूसरे नारियल गिराएगा। तो हम देखते हैं कि आकाश कामयाब हो पाता है कि नहीं हो पाता है।
किधर मार रहे हो? और आकाश मिस कर चुकी है। Christo is trying to steal sugar cane. Let's see if he succeed. There is someone just beside this. So if they hear, come on, take it out. Let go. खा रहा है वहाँ में बैठ के, लेके आओ यार। तो दोस्तों अब हम वापस आ चुके हैं। तो हम गन्ना चुरा के खा के आए हैं हम, और फिर एक सेट हम खा के आए हैं और एक सेट हम घर ले जा रहे हैं, रूम में बैठ के खाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कहीं ओनर हमें देख तो नहीं रहा। ना कोई नहीं है। तो आकाश तुम अपनी फीलिंग बताइए, कैसा लगा? सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। हाँ, सक्सेसफुली मिशन कम्प्लीटेड। और मतलब मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ गई आज तो। विल ईट अ फ्रॉग, वो भी हमें दिखाएंगे। खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे वो डिपेंड करता है। हम वापस घर जा रहे हैं। इट्स लाइक अ डेंस फॉरेस्ट, अमेजोन वाली फीलिंग आ रही है यहाँ तो। अमेजोन गए नहीं, अगर जाएंगे तो उसका भी व्लॉग बना के डाल देंगे। ओए आकाश, मेंढक नहीं पकड़ने का। तो देखिए दोस्तों, ये है फ्रॉग जो हमने पकड़ा है अभी। आई डोंट नो व्हाट फ्रॉग इज दिस, मतलब इंडियन फ्रॉग ही है ये। अब देख सकते हो कितना सुंदर है ये। आज इसका बजिया बनने वाला है। नहीं, ऐसे कुछ करेंगे नहीं। नो एनिमल हैज़ बीन आर्म्ड वाइल शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है? ये देखिए कितना सही, इसको पकड़ने में हालत ख़राब हो गई। तो हम इसको खाएंगे, देखिए लेके। तो मेंढक खा चुके हैं हमने, गटक लिया उसको। और गटकने के बाद अंदर कुछ हलचले हो रही हैं, और फिर ऐसे बोलते हैं ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, पेट में मेंढक कूद रहे हैं। जस्ट गेटिंग, कुछ खाया नहीं है, उसको वापस छोड़ दिया है।